अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिजिक्स प्लेनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 व्हिच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे, चूँकि हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 तक जो है वो पढ़ चुके हैं। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 है, ये चार्जेस से बिलोंग करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले चार्जेस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू चार्जेस। तो चार्ज क्या होता है, इसको शुरू करने से पहले हम स्टार्ट से देखते हैं। जब यूनिवर्स का आगाज़ हुआ, तो यूनिवर्स का जब आगाज़ हुआ तो तब हमारे पास हमें पता है कि यूनिवर्स जो है वो कम्प्लीटली दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है। एक उसमें है रेडिएशन, दूसरा हमारे पास होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, एक रेडिएशन, दूसरा पार्टिकल, दो चीज़ों से हमारी जो यूनिवर्स है वो बनी हुई है। तो रेडिएशन मीन्स के हमारे पास जो वेव्स होती हैं, ठीक है, इनमें मैटर नहीं होता, इनमें मैस नहीं होता। ठीक है, जो रेडिएशन हैं ये, इनमें मैस नहीं होता। जो पार्टिकल्स हैं इनका वॉल्यूम होता है, इनका मैस होता है और इसका मोमेंटम भी होता है। ठीक है, इनका मैस होता है, वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है, और एक जो कॉमन चीज़ है जो दोनों के पास हो सकती है वो होती है एनर्जी। एनर्जी जो है वो दोनों के पास हो सकती है। हमें पता है कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। मैटर जो है वो उसकी एक करैक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जिसके ज़्यादा होने से मैटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कम होने से मैटर कम हो जाता है। तो वो जो करैक्टरिस्टिक है उसको हम नाम देते हैं मैस का। ठीक है जी, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा मैटर होगा। ठीक है, जितना कम मैस होगा उतना कम मैटर होगा। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो भी इस यूनिवर्स में मैटर मौजूद है वो दूसरे मैटर के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई करता है। वो कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है वो डिपेंड करता है कि उसका मैस कितना है। जिसका मैस जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दूसरे मैटर के ऊपर अप्लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा पत्थर है और एक बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर है। तो वो जो छोटा पत्थर है वो बड़े पत्थर के ऊपर बहुत कम फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई करता है, और जो हमारे पास बड़ा पहाड़ है या पत्थर है वो दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। हर मैटर जो है वो दूसरे मैटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताया कि हमेशा क्या होती है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ओके, अगर हम बात करें कि जो ज़मीन है ये तो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, इसकी वजह यही है कि इसके ऊपर जो हमारी यूनिवर्स सॉरी अर्थ है, इसके ऊपर जितना भी मैटर पाया जाता है वो इस अर्थ के मैस से बहुत कम है, इसलिए हर चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ खींची चली जाती है। तो अगर अर्थ से ज़्यादा किसी चीज़ का मैस होगा तो अर्थ जो है वो इट्सेल्फ उसकी तरफ खींची चली जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, वो जो है हमारे पास सन है। तो इसी वजह से जो अर्थ है हमारी वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। ओके, तो ये तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और जितना बड़ा मैटर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। तो क्या ऐसी भी कोई फोर्स है जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा हो? जी, इसका आंसर है यस, है ऐसी फोर्स है और उसको आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो कौन सी फोर्स है, मैंने इधर वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है। तो जो मैं लिखा है वो, अगर तो इसके ऊपर ग्रेविटेशन, लेट्स सपोज ये मैंने मैस लिखा है, इसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो इसको तो नीचे गिर जाना चाहिए, ये यहाँ पे क्यों चिपका हुआ है?
तो इसका मतलब जो जिस फोर्स के साथ, जिस फोर्स ने इसको इसके साथ चिपकाया हुआ है, वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। वो फोर्स कौन सी है? इस वाइट बोर्ड की फोर्स है जिसने इसके साथ इसको चिपकाया हुआ है। तो ये फोर्स जो है, चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई फोर्स ऐसी है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा है, या हमारे पास दूसरी फोर्स जो जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो ज़्यादा है। तो हम आंसर करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, जैसा कि हमने इधर देखा है। ओके, तो ये इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किस वजह से होती है? वो देखें, जब मैंने इधर वाइट बोर्ड पे इस मार्कर को टच किया, यहाँ पे इसको रब करता हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन लग जाती है, और ये जो इंक है इसके साथ इसके पार्टिकल्स यहाँ से उतर के इसके ऊपर जुड़ जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं यहाँ पर। तो उसकी रीज़न क्या है कि जब हमने इसके पार्टिकल्स को इसके ऊपर रब किया, तो यहाँ पे जो था वो चार्ज आ गया इन पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये यहाँ पे चिपक गए। तो बेसिकली हमारा टॉपिक ही चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं इसके साथ चिपक गए हैं। इसी तरह से आप दीवारों के ऊपर जो पेंट करते हैं वो भी चिपका रहता है, वो किस वजह से? वो भी चार्जेस की वजह से। आप दीवार के अंदर कील लगाते हैं तो वो दीवार के अंदर ही रहता है, वो किस वजह से रहता है? वो चार्ज की वजह से रहता है। आपने अक्सर चार्ज को ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आप देखते हैं कि आप कंघी करते हैं, आपने कंघी करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि उस कंघी और आपके हेयर के दरमियान में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है, ठीक है, आप अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उस वजह से भी चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि अगर हम, आप ये घर में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, अगर आप एक प्लास्टिक या ग्लास का रॉड लें, उसको एक सिल्क के कपड़े के ऊपर उसको, या किसी कपड़े के ऊपर या सिल्क के ऊपर आप अगर आप उसको रगड़ते हैं काफ़ी देर के लिए, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। इसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि जब हमने इसको, ग्लास रॉड को, अभी उस सिल्क के ऊपर जो है वो रब नहीं किया था, तो इसके जो ये वाला एंड है, इसने इन ये जो पेपर है, पेपर के पीस हैं, इनको अट्रैक्ट नहीं किया। जूँ ही मैंने इसको इसके ऊपर रब किया, रब करने के बाद क्या हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है। जब इसके ऊपर चार्ज आ गया, फिर हम उसको कागज़ के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे पीसीज हैं, उनके करीब लेके गए हैं, तो हमने क्या देखा है, ये इसके इस एंड के साथ चिपक गए हैं। तो इसकी वजह भी चार्ज है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो चार्ज है वो हर टाइम हर बॉडी के ऊपर मौजूद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हमें वो चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो मेथड देखा है चार्ज को क्रिएट करने का, वो हमने देखा है रबिंग, हमने रब किया इसके ऊपर, तो फिर उसके पहले ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था पीसीज को, जब मैंने इसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद इसने क्या कर दिया, इस जो पीसीज हैं कागज़ के, उसको क्या किया, इसको पेपर के पीसीज को अट्रैक्ट कर लिया है, वो दूसरी बॉडी के साथ जाके स्टिक हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो एक मेथड तो ये है हमारे पास चार्ज क्रिएट करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम जो है वो फर्दर नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिनमें हमारे पास एक तो हीटिंग का मेथड आ जाता है, दूसरा इंडक्शन का मेथड आ जाता है, इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर जो है वो चार्ज ला सकते हैं। एक और जिसकी मेथड है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी चार्ज जो है हम किसी बॉडी के ऊपर लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हाई वोल्टेज है, और मुख्तलिफ मेथड्स जो हैं जिनको अप्लाई करके हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लेके आ सकते हैं। आपकी बॉडी इट सेल्फ जो है वो चार्जेस से मिलके बनी हुई है। हमें पता है कि हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी हुई है, एटम के अंदर भी चार्जेस मौजूद होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम देते हैं। तो
चूंकि उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, अगर हम उनका सम करते हैं तो हमारे पास नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो आता है। तो अगर एक एटम का चार्ज जो है वो ज़ीरो है, दो एटम का चार्ज ज़ीरो, तीन एटम का चार्ज ज़ीरो, पांच एटम का चार्ज ज़ीरो, करोड़ों लाखों अरबों जो एटम्स हैं उनका चार्ज, टोटल चार्ज या नेट चार्ज जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इस हमारी अर्थ यूनिवर्स के ऊपर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है। ओके, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने चार्ज को ऑब्ज़र्व किया था। पहले तो ज़मीन के ऊपर ही इसने देखा कि जब हम प्लास्टिक और ग्लास के रॉड को अच्छी तरह से चार्ज करके उसको रब करके जब हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्पार्क दिखाई देता है। वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? स्पार्क दिखाई देता है, ठीक है, चमक या स्पार्क जिसे हम बोलते हैं। तो उसने कहा कि ये इस तरह का चार्ज, इस तरह का स्पार्क तो हम जो है वो बचपन से या जब से हमारी पैदाइश हुई है, जब से यूनिवर्स की पैदाइश हुई है, तो जब बादल गरजते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी इस तरह की चमक देखने को मिलती है। तो फिर उसने क्या किया, उसने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये वाला स्पार्क और जो आसमानी बिजली जो है उससे पैदा होने वाला स्पार्क जो है क्या वो एक ही चीज़ है? यानी कि यहाँ पे चार्जेस की वजह से स्पार्क हो रहा है तो क्या आसमान में भी चार्ज पाए जाते हैं? तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको वो एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसके हम बोलते हैं काइट एक्सपेरिमेंट। काइट एक्सपेरिमेंट क्या था जी? उसने क्या किया, काइट लिया और उसके साथ धागा बांध के उसको बादलों में भेज दिया। तो उसका ख्याल था कि अगर बादलों में चार्ज है तो वो उस धागे के ज़रिए उसके हाथ तक आएगा और उस हाथ के ज़रिए उसकी बॉडी में कुछ ऐसा फील होगा कि उसे पता चल जाएगा कि आसमान में चार्ज मौजूद है। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा कोई कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर दोबारा उसने कहा कि शायद कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से चार्ज जो है वो मेरे हाथ तक नहीं पहुंच पा रहा। तो उसने क्या किया, चाबी ली, उसको उस धागे के साथ बांधा और उसको फिर से काइट को आसमान में बादलों में भेज दिया। तो चूँकि चाबी इसलिए ली उसने कि वो एक अच्छा कंडक्टर है, मेटल है, तो अच्छा कंडक्टर है, इस वजह से जो चार्ज है वो जल्दी से ट्रैवल करके उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा करने से भी उसके जो रिज़ल्ट है कोई पॉजिटिव नहीं मिला, वो डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन एक दिन फिर उसने वही एक्सपेरिमेंट किया और अचानक से जब बारिश हो गई तो उसकी जो धागा था वो क्या हो गया, वो गीला हो गया और साथ ही अचानक से आसमान में फिर से बिजली चमकी और चार्ज जो है वो ट्रैवल करता हुआ गीले धागे में से वो उसके हाथ तक पहुंचा और उसको झटका महसूस हुआ। तब वो बहुत खुश हुआ, वो पहला इंसान था जिसको झटका लगा और वो खुश हुआ क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल हो गया। तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो मज़ीद बढ़ा कि हम चार्ज के मतलब मज़ीद जानें। फिर हमने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किए। फिर हमने क्या किया, हमने रॉड्स लिए, प्लास्टिक के और ग्लास के रॉड्स लिए, हमने उसके साथ उनको चार्ज किया यानी कि रब किया। रब करने के बाद दो हमने प्लास्टिक के रॉड लिए, दो हमने ग्लास के रॉड लिए, फिर हमने उनको क्या किया, ग्लास के रॉड को ग्लास के रॉड के साथ अटैच कर दिया यानी कि उनको लटका दिया किसी एक चीज़ के साथ करीब करके। फिर हमने प्लास्टिक के दोनों रॉड्स को आपस में लटका दिया। फिर हमने क्या किया, एक ग्लास का रॉड लिया, एक प्लास्टिक का रॉड लिया। दोनों को जब हमने आपस में लटकाया फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बहुत सरप्राइजिंग रिज़ल्ट से थे, उनको साइंटिस्ट को देखने को मिले। क्या जी, जो ग्लास और ग्लास का जो रॉड था उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो प्लास्टिक और प्लास्टिक का रॉड था उन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन ये जो रिज़ल्ट था ये बहुत सरप्राइजिंग रिज़ल्ट था कि जो ग्लास है और जो प्लास्टिक है इनके रॉड्स ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। एक दूसरे को क्या किया जी, अट्रैक्ट किया। तो अब जो हमने देखा कि जो सिमिलर थे
जो हमारे पास ग्लास और ग्लास थे या प्लास्टिक और प्लास्टिक थे, सिमिलर चार्जेस थे, सॉरी सिमिलर हमारे पास रॉड्स थे, उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, जबकि हमारे पास डिसिमिलर जो चार्ज थे उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे एक और हमारे पास मसला आ गया कि अब हम जो है वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको अब अट्रैक्टिव फोर्स कहें या रिपल्सिव फोर्स कहें। तो हमें जो है ये बहुत मुश्किल हुई यहाँ पे कि हम इसके बारे में क्या राय दें, साइंटिस्ट को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मसला हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने वो एक नतीजे पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है, वो रिपल्सिव भी है। जैसा कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा था कि वो सिर्फ क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, तो यहाँ से अगर हम चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो चार्ज को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं जी? चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विद विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर बॉडीज, या चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल विद विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर बॉडी। तो जैसा कि इधर बताया गया है कि जब चार्ज जो है वो किसी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है कि वो दूसरी बॉडी के ऊपर या दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करता है, आइदर वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो उसकी टाइप्स क्या हैं जी, चार्जेस की टाइप्स क्या होती हैं। हमारे पास चार्जेस की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक बात जो है वो रह गई है, क्या जब हमने ग्लास और प्लास्टिक के रॉड को आपस में करीब लेके आते हैं वहाँ पे एक स्पार्क होता है। स्पार्क होने के बाद क्या होता है जी, अगर हम उनके स्पार्क के बाद इसका और इसके ऊपर अगर हम चार्ज की वैल्यू चेक करना चाहें तो वो हमें जो चार्ज की वैल्यू है दोनों के ऊपर वो ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब इनको ये जो टाइप्स हैं इनको पॉजिटिव और नेगेटिव का ही नाम क्यों दिया गया, इनको कोई और नाम क्यों नहीं दे दिया गया? ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल टूल जो है उसको यूज़ करते हुए उसने इसको नाम दिया। चूंकि इधर हमने देखा कि ग्लास और प्लास्टिक का रॉड जब हमने उसको इकट्ठा किया तो उसकी जो वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आई। सिमिलर टू अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू जो है अगर हम ऐड करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है +4 है और हम उसमें -4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास नेट वैल्यू कितनी बचती है, ज़ीरो। इसी तरह से यहाँ पे है कि ग्लास जो है जब हमने उसको इसके साथ अटैच किया या इसके करीब लेके आए, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज +4 है, इसकी वैल्यू -4 है, जब हम उनको जमा करते तो हमारे पास नेट चार्ज है वह उसकी वैल्यू क्या बचती है, ज़ीरो बचती है। इसीलिए इसने इस मैथमेटिकल टूल को यूज़ करते हुए इसका नाम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया। अच्छा, सिंबल जो है वो डिफरेंट जगह पे इसका डिफरेंट यूज़ होता है। तो सिंबल की अगर बात करें तो चार्ज का सिंबल क्यू यूजली जो है वो लिया जाता है, या हम इसको ई से भी शो करते हैं। ई फॉर हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करते हैं या जब हम किसी एटम की बात करते हैं, हमें पता है कि एटम के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है। इसलिए हम जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए के चार्ज के लिए हम ई नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए पी या ई पॉजिटिव भी यूज़ कर लेते हैं। कहीं पे हम जो है वो कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम कैपेसिटर के प्लेट्स की बात करते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स की जब हम बात करते हैं तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इसको हम सिंपली क्यू या ई तो नहीं कह सकते, हमने एक सिंगल चार्ज के लिए हम क्यू यूज़ करते हैं या ई यूज़ करते हैं। अगर नंबर ऑफ चार्जेस हों तो एन यहाँ पे जो है ये वाला स्मॉल एन जो है ये यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस जो है उनकी क्वांटिटी को शो करता है, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करें तो क्यू जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह से हम अगर इसकी चार्ज की वैल्यू जो है हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड की, और आगे हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में ये फाइंड भी करेंगे कि ई की वैल्यू जो है वो हम 1.6 क्रॉस 10⁻¹⁹, और इसकी जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 क्रॉस 10⁻¹⁹। ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन इसमें सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टी में हमारे पास जो चार्ज की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। जैसा कि मैंने पहले बात की कि यूनिवर्स के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो है, वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, वो प्लस वन नहीं होगा, माइनस वन नहीं होगा, हंड्रेड नहीं होगा, माइनस हंड्रेड नहीं होगा, जब तक हम उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस नहीं करते। जिस तरह से हमने डिफरेंट प्रोसेस मैंने पहले भी बताए हैं कि चार्ज किसी चीज़ के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिनमें हमारे पास पहला तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रबिंग है, फिर हीटिंग है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इंडक्शन है, हाई वोल्टेज है, इस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से हम चार्ज जो है किसी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, एक न्यूट्रल बॉडी है, तो यानी कि जिसके अंदर कह लें कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अगर हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नेगेटिव को रिमूव कर देंगे, तो इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, वो पॉजिटिव आ जाएगी। अगर हमने इसमें कह लें कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना है तो यहाँ पे हम इसको एक नेगेटिव चार्ज दे देंगे, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, या यहाँ से हम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे ये जो टोटल ओवरऑल बॉडी है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो कर सकते हैं, तो जिनमें हमारे पास वो 5-6-7 मेथड जो हैं वो अप्लाई करके हम जो है वो करते हैं। तो इसके अलावा जो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज रहता है, चार्ज जो है वो यानी कि फिक्स वैल्यू रहती है, चार्ज हमेशा, चार्ज की वैल्यू एक होगी, 1e होगी, 2e होगी, 3e होगी, इसकी वैल्यू कभी भी 0.25e नहीं होगी, 0.25e नहीं होगी, 1.5e नहीं होगी, ठीक है, 2.5e नहीं होगी, यानी कि 2.5e नहीं होगी, ये हमेशा जो है 1e, 2e, 3e इस तरह से जो है हो सकती है। ये कभी भी, जिस तरह से हमारे पास कह लें कि टेम्परेचर है उसकी वैल्यू जो है वो 21 डिग्री भी हो सकता है, वो 21.3 डिग्री भी हो सकता है, वो 100.4 डिग्री भी हो सकता है, वो 100.486 डिग्री भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास जो कह लें कि एक कंटिन्यूस वैल्यू है, लेकिन जो हमारे पास ये चार्ज है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो फिक्स्ड है, वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है। ये थी चार्ज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जिनको आपने याद रखना है। ये आपके जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या उससे आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उनमें इनमें से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा कूलम्स लॉ का, तो आपने इसको अच्छे से देखना है, जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहे वो आपने डिस्कस कर लेने हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।